iPad OS 18। तो गाइस सभी iPad यूजर्स को जो iPad OS 18 का सॉफ्टवेयर अपडेट जो ऑलरेडी मिल चुका है, बट आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले कि iPad OS 18 के अंदर कंपनी ने क्या कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, यानी कि हिंदी में हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले एक एक चीज़ को लेके। तो आपको पता चल जाएगा कि iPad OS 18 के अंदर क्या कुछ न्यू फीचर्स आए, यानी कि व्हाट्स न्यू। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, तो मैं हूं किशोर, आप दिख रहा हूं राधे बीट्स। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास iPad 8 जनरेशन, और गाइस आपके पास कोई भी iPad हो सकता है। जैसे कि iPad OS 17 चल रहा था और आपने अपडेट किया है iPad OS 18 पे, या तो आप अपडेट करना चाहते हो अपने iPad को iPad OS 18 पे, तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो इसकी साइज़ जो 3.36 GB है, और मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि आपको किस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपका डेटा वगैरह डिलीट ना हो। तो वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड चेक इट आउट। और आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा कि iPad OS 18 डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या कुछ न्यू फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये iPad OS 18 डाउनलोड करना है तभी ये फीचर सारे आपके iPad के अंदर आप जो यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ ये वीडियो आपका काम का नहीं है। यानी कि iPad OS 18 के न्यू फीचर्स के बारे में हम जो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चेंजेस की। तो यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो मेजरली चेंजेस है वही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ऐसे आइकन्स नहीं थे, यानी कि जनरल आप खोलते हो तो यहाँ पे पूरा रीडिज़ाइन जो किया हुआ है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पहले यहाँ पे ऐप्स मिलते थे जो कि फ़िलहाल ये सारे ऐप्स देखने को नहीं मिलते। जो अपने थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए वो यहाँ पे ऐप्स करके एक अलग ऑप्शन से रहता है, इसके अंदर वो सारे एप्लीकेशन जो आ जाते। पहले क्या होता था ये ऐप्स भी यहाँ पे आपको शो होते थे, तो यहाँ पे ये चेंजेस किया। जैसे कि आप वाईफाई का देखते हो तो यहाँ पे ये आइकन भी चेंज किया, यानी कि ये पूरे आइकन जो चेंज किए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चेंजेस आया है वो है वॉलपेपर का। वॉलपेपर पे आप जैसे ही टैप करते हो ऐड न्यू वॉलपेपर, तो यहाँ पे जो iPad OS 18 का वॉलपेपर है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी iPad OS 18 के वॉलपेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको इनमें से जो वॉलपेपर पसंद है आप सिंपली अपने होम स्क्रीन पे जो अप्लाई कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल मैंने ऑलरेडी किया ही हूँ, यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ करनी है, यहाँ पे मान लो आपको विजेट्स लगाने हैं तो यहाँ पे अलग अलग न्यू विजेट्स भी कुछ ऐड हुए हैं iPad OS 18 के अंदर, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और मान लो यहाँ पे आपको टाइम का कलर वगैरह चेंज करना है, या तो जो कलर रहता है ऐसा मल्टीपल कलर्स वो रखना है तो रख सकते हो। इवन यहाँ पे जो क्लॉक स्टाइल के जो फॉन्ट है वो भी यहाँ पे आप जो चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक, आपको जो पसंद है आप यहाँ पे क्लॉक का कलर चेंज कर सकते हो और स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शंस मिलता है जैसे कि आपको किस कलर का वॉलपेपर चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इनमें से जो वॉलपेपर पसंद हो आप रख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो डार्क रख सकते हो, लाइट रखना है तो लाइट रख सकते हो, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक रखना चाहो तो भी रख सकते हो, ऑटोमेटिक पे ये काम करेगा। और यहाँ पे आपको जो डन पे टैप कर लेना है तो ये वॉलपेपर जो आपके आईपैड के अंदर जो प्रॉपरली सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और गाइस बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की। तो यहाँ पे नेक्स्ट चेंजेस हुआ है वो है कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा रीडिज़ाइन किया गया है और दिखने में भी काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, और इसको रिमूव करना है तो भी ये चीज़ पॉसिबल है, आप रिमूव भी कर सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं इसी iPad के एडिट की, तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखता होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड कंट्रोल सेंटर का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप और भी जो विजेट्स ऐड कर सकते हो कंट्रोल सेंटर के अंदर शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कौन सा ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि डार्क मोड हो गया वो चाहिए आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे जो वो अलग अलग दिए हैं, यहाँ पे मैग्नीफाई भी दिया है, तो आप कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिस्ट देखिए इसकी बहुत ही लंबा है यहाँ पे, यानी कि जो आपको चीज़ चाहिए वो बहुत सारे कंट्रोलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं।
इसी iPad OS 18 के अंदर। तो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है वो आप चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो। तो गाइज इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो इसको भी एडिट कर सकते हो, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो मिलता है आइकन उसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि डार्क मोड का हो गया, और ऐसे आप चाहो तो इसको लंबा भी कर सकते हो। यानी कि आपकी किस तरीके से आपको यूज़ करना है पूरा आप पे डिपेंड है। यहाँ पे बहुत सारा एक्सेस दे दिया आपको, खुद आप खुद कंट्रोल इसको कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे अगला मेजर चेंजेस मुझे ये लगा कि iPad OS 18 के अंदर फाइनल कैलकुलेटर जो आ चुका है। पता नहीं एप्पल ने ऐसा क्यों किया, जब से iPad लॉन्च किए थे तब से आज तक उनका कैलकुलेटर नहीं था। यहाँ पे आपको प्रॉपरली कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है iOS 18 के अंदर, और यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैथ्स नोट आपको लेना है तो यहाँ पे आप वो भी चीज़ कर सकते हो। खैर मुझे इसका कुछ इतना इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो इसको भी यूज़ करते हैं, तो आप भी चाहो तो इन सभी चीज़ों को जो कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऐसा कैलकुलेटर चाहिए तो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और आप बेसिक कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ भी iPad OS 18 के अंदर एप्पल ने जो वो लाया है कैलकुलेटर, जो कि एक बेसिक चीज़ है। और यहाँ पे अगला चेंजेस है वो है गाइज यहाँ पे कैलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, और यहाँ पे कुछ इतना मेजर चेंज नहीं किया, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखने में चेंजेस लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये चेंज देखने को मिलता है, और ये केस भी काफ़ी पुराना हो चुका है तो ऐसा हो जाता है कभी कभार, बट सो डोंट माइंड। और यहाँ पे अगले चेंजेस की मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, तो यहाँ पे गाइज आ चुका है ऐप लॉक या तो हिडन ऐप। यहाँ पे आप हिडन ऐप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई पासकोड या तो फेस आईडी वगैरह नहीं लगाया तो ये काम नहीं कर रहा है, बट जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको टच आईडी वगैरह जो इंस्टॉल करना है, और यहाँ से डायरेक्टली आप कोई भी एप्लीकेशन जो हाइड अनहाइड कर सकते हो। ये मैंने जो हमारा iOS 18 का न्यू फीचर्स वाला वीडियो उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो और एप्लीकेशन लॉक भी कर सकते हो। वो वीडियो भी एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा अगर आप आईफोन यूजर्स हो तो। iOS 18 भी आ चुका है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप लॉन्ग टैप करते हो और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे भी आप जो ऐसे रख सकते हो। पहले क्या होता था, आप ऐसे ऐप्स रखोगे तो यहाँ पे सेंटर में ही रहती थी, यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन जो रख सकते हो। और यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कस्टम पेज, आपके टोटल कितने पेज है डायरेक्टली आप यहाँ से जो कस्टमाइज कर सकते हो। इवन एडिट पे आप जो क्लिक करते हो तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऐसा कुछ है ऑप्शंस, यहाँ पे आपको ऐप्स के कलर्स वगैरह चेंज करने वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चार ऑप्शंस है, पहला है लाइट, तो यहाँ पे लाइट वाला ही है, डार्क यानी कि जो डार्क मोड में आप यूज़ करते हो उस तरीके का आइकन्स एप्लीकेशंस के डार्क हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आप चाहो तो रख सकते हो। और यहाँ पे ट्रेड यानी कि आप खुद एंड्रॉइड जैसा कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशंस का कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। बट ये मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, यानी कि हो सकता है किसी को पसंद हो, बट मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगा। तो आप चाहो तो इनमें से कोई यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऑटोमेटिक पे ही आपको रखना चाहिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, जैसे कि लार्ज, तो जो ऐप साइज है वो थोड़ी बहुत लार्ज मिलेगी, और यहाँ पे जो नाम लिखा रहता था जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन के नीचे, वो रिमूव हो जाता है और ऐप्स आपको बड़े बड़े देखने को मिल जाता है। तो ये भी चेंजेस लाया है एप्पल iPad OS 18 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि विजेट्स, कोई भी ऐप्स आपको जो विजेट्स में कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टैप करना है। ये कोई भी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ऐप स्टोर का विजेट्स आपको चाहिए तो कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी इसको रख सकते हो। जो जो ऐप सपोर्टेड है वो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शो हो जाती है, तो आप चाहो तो ऐसे भी इसका विजेट्स जो रख सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि ये नॉर्मल था पहले। तो ये भी चेंजेस लाया है एप्पल iOS 18 में, जो कि किसी किसी को काम आता है। बहुत सारे लोग जो विजेट्स के अंदर जाते फिर ऐड करते हैं। और यहाँ पे विजेट्स की हम प्रॉपरली बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ न्यू विजेट्स भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप डेली यूजेज में यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जस्ट एग्जांपल कैलेंडर के अंदर पहले इतने सारे विजेट्स नहीं थे, जो कि आपको मिल चुके हैं अभी। और वेदर ऐप्स वगैरह आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी आपको कुछ न्यू चेंजेस मिलने वाला है। और जो एप्पल का मैप है यहाँ पे भी आपको न्यू थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे iPad OS 18 के कुछ न्यू फीचर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और बेहतरीन तरीके से आप इसको जो वो इस्तेमाल में ले सकते हो, जो कि
सभी लोगों को पता नहीं होते फीचर्स, तो मैंने आपको बता दिए जितने मुझे मेजरली फीचर्स लगे, जितने काम थे वैसे छोटे छोटे तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, बट मैंने उसके बारे में बात नहीं की जो कि हमें डे टू लाइफ में काम आ सकते वैसे ही फीचर्स मैंने इस वीडियो में बताया हूँ। अगर गाइज आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ओनली व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है। तो अभी गाइज के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।